न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। आखिर 21 दिन की जंग के बाद कैसे सीजफायर को तैयार हुए अजरबैजान और आर्मेनिया, अजरबैजान के ड्रोन अटैक में आर्मेनिया को कितना नुकसान पहुंचा, स्टेपन कट को लेकर आर्मेनिया ने अजरबैजान पर आरोप क्या लगाया, जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। 21 दिन चली जंग के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने फिर सीजफायर का ऐलान किया है। रूस के विदेश मंत्री ने सीजफायर को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। उसके बाद दोनों ही देशों ने सीजफायर का ऐलान किया। रूस की पहल पर 10 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच मॉस्को में सीजफायर का करार हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है। फ्रांस ने कहा कि दोनों देश बातचीत से विवाद का समाधान करें। फ्रांस, रूस, अमेरिका ने पहले ही दोनों देशों से सीजफायर की अपील की थी। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 21 दिन चली जंग में भारी नुकसान हुआ। जंग में 55,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। रिहायशी इलाकों में हुए हमलों में कई शहर तबाह हो गए। मिसाइल, रॉकेट और बम बारूद से हुए हमलों में भारी तबाही मची थी। अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर हुए विध्वंसक हमले का वीडियो जारी किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया। इस हवाई हमले में आर्मेनिया के सैन्य हथियार और दूसरे साजो सामान को बर्बाद कर दिया गया। हमले में आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिकों की भी मौत हो गई। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैनिकों पर हुए ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। वीडियो में हमले से बचने के लिए भागते हुए आर्मेनियाई सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन धमाके में उनकी जान चली जाती है। इस हमले में आर्मेनिया के कई यूएवी और दूसरे हथियार भी तबाह हो गए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस वीडियो में अजरबैजान के हवाई हमले में तबाह होते आर्मेनिया के आर्मी बेस को दिखाया गया है। अजरबैजान के मुताबिक उसके हमले में आर्मेनिया के कई टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो गए। अजरबैजान ने दावा किया कि जंग में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सेना ने आर्मेनिया की सतह से हवा में मार करने वाली M2KM मिसाइल को मार गिराया है। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने मिसाइलों से जबराइल को निशाना बना रहा था। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि अजरबैजान की सेना स्टेपन कट के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान मिसाइलों से स्टेपन कट को निशाना बना रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से स्टेपन कट में कई नागरिकों की मौत हो गई। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान के 4 यूएवी को मार गिराया। आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान के यूएवी उसके ठिकानों को निशाना बनाने निकले थे, लेकिन आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते ही उन्हें मार गिराया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।